हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर्स के दो वीडियो बना के रख दिए, जो आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके देख लो। और आज अपने स्टार्ट करने वाला है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से, ओके। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चंस। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटीज एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन गिवन इट एंड ऑल्सो फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन इट। फाइंड द मीन। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखेंगे? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन PPM पार्ट्स पर मिलियन। सो गिवन इट है आपके पास 0.04 दिस वन इज द गिवन इट। आपको दे दिया गया है। चलो अभी क्या दिया है आपको? फ्रीक्वेंसी, मतलब FI दे दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 4992 4 2। चलो यहाँ तक का क्लियर है। सो, ये तो आपको पता है, हर बार अपने सबसे पहले FI लिखते हैं तो अपने क्या करते हैं, सिग्मा FI का टोटल करते हैं, राइट। सिग्मा FI का क्या करेंगे? अपने टोटल करेंगे, सबका प्लस करो। 9 + 9 = 18 19 20 20 24 28 और 30 कितना आएगा? 30, ओके। चलो और आगे बात करेंगे। अभी क्या फाइंड आउट करेंगे? XI, ओके। ये दो चीज़ तो आपको गिवन थी, फाइंड करेंगे XI। सो XI किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सो XI फाइंड करने का मैंने आपको बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का प्लस करो, 0.00 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.02, ओके। सेम इसी तरह 0.04 प्लस 0.08 तो क्या मिलेगा? 0.12। सो 0.12 का हाफ कितना आएगा? 0.06, ओके, डन। चलो, सो दैट्स, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। और यहाँ पे भी चेक करो, सबके बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। सो 0.10 0.14 0.18 and 0.22, ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो आपको पता चल गया। अभी आपको क्या करना है? एज्यूम करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो अभी तक जो सम आपको दिए गए थे उसमें क्या था कि भाई ऑड नंबर थे, लेकिन ये क्वेश्चन चेक करो, इसमें इवन नंबर है, 3 और 3 6। सो किसको अपने एज्यूम करेंगे? तो यार एज्यूम देखो, ये निकल जाएगा, ये तो दो नंबर्स बचे, इन दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम कर लो। मैं इसको कर रहा हूँ ए, करेक्ट। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। सो आगे क्या करेंगे? UI इज इक्वल टू XI माइनस ए अपॉन एच। देखो यार, मैंने सिखाया था कि अगर सबका डिफरेंस सेम होता है, राइट, तो एच सबका डिफरेंस अगर सेम होता है तो ए की जगह पे आपको क्या लिख देना है? यहाँ पे 0 पर -1 और -2, नीचे 1 2 एंड 3, ओके, क्लियर। अभी क्या करना है? FI UI, मतलब इन दोनों का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 4 2 are 8 9 1 are 9 9 0 are 0 2 1 are 2 4 2 are 8 3 2 are 6। अभी क्या करेंगे? सिग्मा FI UI, इन सबका क्या करेंगे? अभी टोटल, नेगेटिव नेगेटिव का पहले करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव का बाद में करेंगे। 9 और 8 -17 प्लस 8 + 2 10 और 6 16
करेक्ट, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1 0, ओके राइट। तो कितना का डिफरेंस आया राइट, माइनस वन का, करेक्ट माइनस वन का डिफरेंस आया। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो a की वैल्यू कितनी है 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस वन सिग्मा एफ आई 30 एंड h, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 0.00 और 0.004, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है राइट 0.04 का, ओके। सो 0.10 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 4 और नीचे क्या लेंगे 3 इंटू 30 इंटू 100 राइट। अभी क्या करना है आपको, 10 3 जार करके 3 से इसको कट करना है, 3 1 जार 3 1 बचा 0 3 3 जार 9 फिर से 1 बचा 3 3 जार है, तो ये आंसर आपका मिलते जाएगा। सो 0.10 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाय 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.10 माइनस 0.0 कितना मिलेगा आपको 001, क्लियर। चलो अभी क्या करो, 0.10 में से 0.001 माइनस करो, सो आंसर क्या मिलेगा 0.099, इज दैट क्लियर, हैव एनी डाउट, नो। चलो आगे वाले सम पे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, क्योंकि अभी तक जो क्लास आपको दिया था वो सब में सेम थे, जो ये वाला जो क्लास दिया गया इसमें क्लास जो साइज है वो डिफरेंस है। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड 40 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो लिख देंगे नंबर ऑफ डेज, ओके नंबर ऑफ डेज 06, 6, 10, 10, 14, 14, 20, 20, 28, 28 to 38 and last 38 to 40 राइट। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपको दे दिए गए, मतलब एक्सआई एफ आई आपको दे दिया गया 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1, तो ये दे दिया है। तो आपको पता है कि हर बार कभी भी ये देते हैं तो सबसे पहले अपने क्या कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई फाइंड कर लेते हैं, इन सबका टोटल करो कितना दिया है 40, कितना है 40। अभी आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो सबके क्लास डिफरेंस है, तो यू आई वाली मेथड तो आएगी नहीं, तो अपने काम करेंगे डायरेक्टली एफ आई एक्स आई मेथड से कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड से राइट। सो एक्स आई फाइंड करो, 0 plus 6 divided by 2, 3, 6 plus 10, 16 divided by 2, 8, 14 plus 10, 24 divided by 2, 12, 14 plus 20, 34 divided by 2, 17, 20 plus 28, 48 divided by 2, 24, 28 plus 38, 76 divided by 2, 33, right, right, 66 divided by 2, 33, और इसका क्या आएगा 78 divided by 2, 39, क्लियर। चलो अभी क्या करो, ये आपके पास एफ आई ये एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई एक्स आई 11 3 जार 33, 10 8 जार 80, 12 7 जार 84, 17 4 जार 68, 24 4 जार 96, 33 3 जार 99 और 39 1 जार 39, ओके डन। चलो अभी क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई सबका टोटल करो, आंसर मिलेगा 499, डन, ओके। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सो 499 अपॉन 40, कट करेंगे 10 इंटू 4
फोर वन ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, वन बचा फोर नाइन ज़ार फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, सिक्सटीन कितना बचेगा अभी आपके पास, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन के बाद थ्री बचेंगे तो थर्टी, थर्टी बचेंगे सो थर्टी, फोर सेवन ज़ार ट्वेंटी एट, टू बचेगा फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी, ओके 124.75 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट एक पॉइंट कट हो जाएगा 12 पॉइंट। और देखो ये डिजिट थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, यहाँ पे क्या मिलेगा 475, सो यार ये आंसर भी आपका राइट है। मे भी ये ना लिखना हो तो थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो अप्रोक्स करके 12.48 आपका आंसर, ये आंसर भी आपका राइट है। नेक्स्ट हम पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट इन द परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन ऑफ द लिटरेसी रेट, आपको फाइंड आउट करना है। ओके रीड, ओके मीन फाइंड आउट करना है, चलो स्टार्ट करेंगे। लिटरेसी रेट कितना दिए, 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95, ओके। देन आपको दे दिया है नंबर ऑफ सिटीज, इतना दिया है 3, 10, 11, 8, 3, सो सिग्मा एफ आई कर लेंगे सबसे पहले। और सिग्मा एफ आई तो उन्होंने ऑलरेडी अपने को बता ही दिया था क्वेश्चन में, 35 सिटीज़ है, सो लिखो 35 राइट यहाँ तक का। अभी क्या करना होता है, एवरी टाइम्स एक्स आई फाइंड करना होता है, ये आपका एफ आई, एक्स आई फाइंड आउट करो, 45 प्लस 55, 100 डिवाइडेड बाय 250, 50 प्लस 65, 110 डिवाइडेड सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 260, तो 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, सेम डिजिट रिपीटेड हो रहा है, सो क्या लिखेंगे अभी, 10 10 का डिफरेंस करके लिख दो, 70 80 90 डन। चलो सो अभी आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, तो क्या एज्यूम करेंगे अपने, इसको ले लेंगे क्योंकि मिडल टर्म से आप चेक कर सकते हो। ओके नेक्स्ट यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, सो ये जीरो माइनस वन माइनस टू, ये लिखेंगे वन टू, करेक्ट। नेक्स्ट आएगा एफ आई यू आई, सो एफ आई यू आई करेंगे, सो दैट्स थ्री टू ज़ार सिक्स, बट माइनस टेन वन ज़ार माइनस टेन, इलेवन ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, एट वन ज़ार एट, थ्री टू ज़ार सिक्स, सो इस तो गया टोटल। अभी क्या करना पड़ेगा, टोटल सिग्मा एफ आई यू आई, इन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव का प्लस करेंगे, 10 और 6 माइनस 16 प्लस 8 प्लस 6 14, क्या मिलेगा माइनस 2 सिग्मा एफ आई यू आई। नेक्स्ट फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसकी, स्टेप डिविजन मेथड की, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ए वैल्यू 70, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस टू, सिग्मा एफ आई 35 और एच डिफरेंस कितने का है, 10 का, राइट। सो 5 टू ज़ार 5 सेवन ज़ार 5 फाइव कट 70, 2 टू ज़ार माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7, इसका कटिंग करो 4 राइट 7, यहाँ पे करके बता देते हैं 7 0 जीरो पॉइंट, करेक्ट एक पॉइंट जीरो ऐड किया तो पॉइंट लगाना पड़ा, सो सेवन फाइव ज़ार 35, फाइव ज़ीरो सेवन सेवन ज़ार 49, दो डिजिट तक जाते हैं यहाँ पे, 70 माइनस 0.57, ओके इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 70 प्लस 0.57, सो आंसर मिलेगा आपको 69.43%, ओके इज़ दैट क्लियर। तो ये आपका होगा लिटरेसी रेट इन दैट मेन का। सो आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे मोड एक्सरसाइज 13.2 में।
सो दैट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।